कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है, जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा, कानून के अलावा किसी को कानून के तहत कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। चलिए भाई, वो कहते हैं मीडिया में, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं। आज बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल, गोरखपुर जिला ही ले लीजिए, बड़े पैमाने पर मर्डर, कत्ल, करौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती, पूरा हाहाकार मचा है। वो जो है धरातल पे दिख रहा है और ये पहली बार ऐसा दिखा है। अगर उनके खिलाफ आप लोग कुछ लिख दिए, दिखा दिए, तो आपको जेल, कई लोग 50 से ज़्यादा हमारे मीडिया के भाई जो चौथे स्तंभ हैं, हमारे पत्रकार भाई, वो आज जेल में। रामाचल जी, आपको गाजीपुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है और निश्चित रूप से आप बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर भी काफ़ी मजबूती के साथ है पूर्वांचल में, इसको देखते हुए क्या बताएंगे सर, क्या कहेंगे? देखिए, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने दल से चुनाव लड़ लें, किसी से समझौता ना करें, तो उनको मालूम हो जाएगा कि हम कितने ताकतवर हैं। ताकतवर तो आप लोगों ने बना दिया, मीडिया के भाई बहनों ने बना दिया। रामाचंद्र जी, आज जो है वाराणसी में तेज प्रताप यादव जी का एक होटल से उनका सम्मान बाहर कर दिया गया है, उसको समाजवादी पार्टी किस नजर से देखेगी? देखिए ऐसा है, अब हम तो भाई अभी आप बता रहे हैं, हमें तो जानकारी नहीं है क्या मामला था, क्या कैसे, तो उस पर कोई बात रखना उचित नहीं समझते। जो मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है उसको लेके पार्टी किस तरह का इवेंट बना रही है? वो मुगलों का ही नहीं, जो हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, आज उनके भी इतिहास को मिटाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, तो इसलिए वही आगाह करने आए हैं सर समाज के लोगों से, देश को बचा लीजिए, संविधान को बचा लीजिए,